अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू गोभी की रेसिपी, वो भी डिफरेंट स्टाइल से, जो बहुत मज़े की बनती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे एक छोटा फूल लिया गोभी का, जिसको मैंने काट के पानी में डाल के रखा हुआ है धोने के लिए, और उसके बाद मैं इसको पानी में से निकाल के टोकरी में डाल दूँगी ताकि सारा पानी जो है वो निकल जाए इसके अंदर से। आप इसकी कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1.5 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिया, जिसको मैंने काट लिया है, और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू लिए, जिसको मैंने नॉर्मल साइज़ में, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा साइज़, मैंने काट लिया है। और ये मेरे पास थोड़ी सी कैप्सिकम बड़ी थी, हाफ थी, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि ये पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं इसी। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, हाफ कप से थोड़ा कम है, आप अंदाजे से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने 1.5 टी स्पून ज़ीरा डाला है, और अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी और उनको फ्राई करूंगी। प्याज फ्राई हो रहे हैं और सब्ज़ी के लिए ही मैं एक मसाला तैयार करने लगी हूँ। मैं जब भी सब्ज़ी स्पेशली बनाती हूँ, मैं ये मसाला बनाती हूँ जो आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला डाल दिया है, क्योंकि हंडिया में हम डालते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ ही मैं 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी कलौंजी, ये तो खाने में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून साबुत धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से क्रश करूँगी, लाइक उसको जस्ट क्रश करना है, दरदरा सा रखना है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई पाउडर ही होना चाहिए। इस मसाले को जब आप हंडिया में इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली सब्ज़ी बनाते हुए, तो यकीन करें कि क्या खुशबू आती है। अब यहाँ पे देखें, प्याज जो है वो लाइट सा गोल्डन हुआ है, तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। इस पॉइंट पे हल्दी डालने का मकसद ये होता है कि आपकी सब्ज़ी का कलर जो है वो फ्रेश रहता है, वो डार्क नहीं होता, बड़ा खूबसूरत कलर आता है। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। हल्दी इस पॉइंट पर डालें, आपके अगर आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू बहुत फ्रेश लगते हैं, बहुत प्यारा येलो कलर होता है उसके अंदर। अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर आलू डाल रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर करी पाउडर डाला है, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगी, क्योंकि करी पाउडर के अंदर भी सॉल्ट होता है, तो इस वजह से सॉल्ट मैं थोड़ा सा डालूँगी। अगर बाद में कमी हुई तो एडजस्ट किया जा सकता है। ओके जी, इस पॉइंट पे आप देखें कि मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, और ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर दही डालूंगी। आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं टमाटरों की जगह दही डाल रही हूँ, इस तरह से आप बना के देखिएगा, टमाटर को आप स्किप कर दें, आप सिर्फ दही से बना के देखिएगा गोभी को, आलू गोभी को, बहुत मज़े का सालन बनता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट भी होता है। सो अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, पानी मैंने नहीं ऐड किया, और अब मैं इसको दम दे दूँगी पकने के लिए। और जब तक ये गल नहीं जाती, गोभी और आलू स्पेशली गल नहीं जाते, तब तक मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊँगी। कैप्सिकम भी मैंने ऐड कर दी है। ये देखें जी, ये मसाला रेडी हो गया है, और जो इसकी खुशबू आ रही है ना, बस तो सोचें कि अगर यहाँ खुशबू आ रही है तो सालन में कितनी आएगी। तो अब मैं इसको बाद में डालूंगी। आफ्टर 5 मिनट्स मैं थोड़ा सा मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि पकने के दौरान भी इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आए, और बाकी मैं बिल्कुल एंड पे डालूंगी। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ डन। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब मैं इसके अंदर धनिया डालूंगी।
हरी मिर्चें डाल रही हूँ और साथ ही जो मसाला था वो सारा डाल रही हूँ। ओके जी, ये बन गई है और अब मैं इसके अंदर 2 पिंचेस ऑफ अजवाइन डाल रही हूँ। जब भी आप गोभी बनाएं आप उसके अंदर नंबर 1 लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालें और नंबर 2 अजवाइन ज़रूर डालें, क्योंकि गोभी है वो बादी होती है और उसके बादीपन को ख़त्म करने के लिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गोभी में, और टेस्ट भी अच्छा आता है। और माशाल्लाह से शक्ल देखें तो खाने में कितना मज़ा आएगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।